तो गाइस आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माइनक्राफ्ट के जैसे ही कुछ 3 गेम्स। तो सबसे पहला ये गेम है भाई जिसका नाम पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, लेकिन ये गेम की फोटो तो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। क्या अलग लेवल क्या ग्राफिक्स है यहाँ पर, बहुत अच्छे ग्राफिक्स है। देखो भाई ये देखो, फर्स्ट पर्सन में भी ये गेम बहुत अच्छा है, टेक्स्चर भी इस गेम भी बहुत अच्छे हैं। डाउनलोड करके देखते हैं कि असल में गेम ऐसा है या फिर झूठ दिखा रहे हैं। तो इस गेम यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पर सारी परमिशन दे देता हूँ और बाकी देखते हैं क्या चल रहा है गेम के अंदर। यहाँ पर पूरी लोडिंग तो हो चुकी है, अब चलते हैं अंदर। और यहाँ पर वर्ल्ड पहले से बने हुए हैं गाइस, तो मैं वर्ल्ड 1 के अंदर जाता हूँ, क्रिएटिव ऑन कर देता हूँ ताकि आप दिखा सको चीज़ें कैसी है। और ये आ गए गाइस हम अंदर गेम के, तो देखो गाइस यहाँ पे ट्री को तोड़ के वहाँ पे लगा सकते हैं, डर्ट तोड़ सकते हैं, लेकिन गाइस स्प्लिट कंट्रोल्स नहीं कर सकते पता नहीं क्यों। और यहाँ पे देखो गाइस क्या टेक्सचर है, लावा की बकेट, और ऐसा लग रहा है गाइस माइनक्राफ्ट रियलिस्टिक मोड डाल रखा है। बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स हैं यहाँ पे, पता नहीं जिसने भी बनाया भाई, बहुत ही अच्छा गेम बनाया है। ये डायमंड है, यहाँ पे डायमंड नहीं है तो गाइस एमराल्ड लग रहा है। और यहाँ पे देखो गेम के अंदर एक स्किन मिलती है, अलग अलग स्किन हम ले सकते हैं और उनको अपनी तरफ से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। वैसे मैं MLG करने की सोच रहा हूँ कि इसके अंदर MLG होगी, तो पहले मैं वाटर बकेट ले लेता हूँ। और भाई ये क्या है इस गेम के अंदर भाई, ये देखो क्रिएटिव में उड़ता कैसे भाई, शक्तिमान की तरह पूरा आगे हाथ करके भाई पूरा सुपरमैन की फील्डिंग ले रहा भाई। क्या गेम है यार, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन करने के लिए ऊपर आपको एक आई जैसा ऑप्शन लिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक होता है गाइस, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन मतलब थर्ड पर्सन हो जाता है। और भाई ये गेम मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, माइनक्राफ्ट से भी अच्छा लग रहा है, पता नहीं गाइस क्यों। और मैं इसको फर्स्ट पर्सन में दिखाता हूँ आपको, ये देखो हवा में बैठा भाई, बहुत ही अच्छा गेम है। जैसे इसकी पिक्चर थी गाइस वैसा ही दिखा रखा है गेम भी असली में ही। और तो चलो MLG करके देखते हैं MLG होती है या नहीं गाइस, वैसे MLG तो हो ही नहीं, मैं गिर गया। और ये देखो गाइस यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि मरे कहाँ पर थे और डिस्टेंस कितना है मरने पे। और यहाँ पे मैं पूछा तो गाइस ये देखो सील, और ये देखो भाई यहाँ पे पानी डाला, और ये बकेट का टेक्स्चर देखो भाई, लेकिन पता नहीं पानी क्यों नहीं मैं पिक कर पा रहा। चलो छोड़ो अगले गेम की तरफ चलते हैं। तो अगले गेम का भी नाम आपको पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा, लेकिन ये भी गेम अच्छा ही है। तेरे को डर नहीं लगता? दिखा देता हूँ, ये भी बहुत ही अलग तरीके की फोटो है, तो देखते हैं अंदर से कैसा है। अंदर से देखो गाइस स्टीव तो ये लड़की वाला कैरेक्टर है, जो कि काफ़ी अजीब बात लग रही है मेरे को। अब मैं प्ले करके देखता हूँ अंदर से कैसा है। और यहाँ पर मेरे माइनक्राफ्ट के पुराने वर्ल्ड हैं, तो मैं पहले देखता हूँ अपने वर्ल्ड के अंदर जाके। और यहाँ पर लोडिंग स्क्रीन आ रही है, चलो कोई बात नहीं, क्या होगा देखी जाएगी। वैसे अपने ही गेम के ऐड दे रहे हैं, वाह वाह भाई। तो वैसे यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है, लेकिन भाई लोडिंग नहीं हट के दे रही है भाई, सिर में दर्द कर दिया यार, हट जा भाई, इतना भी कोई लोडिंग होती है क्या यार। वैसे मैं कैंसिल ही कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ वैसे दूसरे वर्ल्ड में जाता हूँ, ये भी अनेबल आ रही है भाई। चलो दूसरे क्वेश्चन में जाता हूँ, पुराने से वर्ल्ड में जिसके अंदर आराम से जाया जा सके, तो इस वाले वर्ल्ड में जाता हूँ हीरो में, जिसमें हीरो ब्राइन वाले वर्ल्ड में। वैसे उसमें भी नहीं जा पा रहा भाई, पता नहीं मैं अपने पुराने वर्ल्ड में जा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन भाई मैं पुराने वर्ल्ड में जा क्यों रहा हूँ, नया वर्ल्ड बना लेते हैं ना। वैसे नया वर्ल्ड बना लिया, यहाँ पर लोडिंग हो रही है, और अंदर से देखेंगे कैसा है गेम। और ये देखो भाई कहाँ पर मैं स्पॉन हुआ हूँ यहाँ पे, और यहाँ से अब MLG करके देखने वाला हूँ मैं, क्या MLG होगी नहीं हुई इन गेम के अंदर। मैं मरना तेरे को डर नहीं लगता? मिला है मुझे पूरा आर्मर, डायमंड का पूरा आर्मर, मैं दिखाता हूँ फर्स्ट पर्सन में कैसा भाई, क्या फर्स्ट नहीं मिले थर्ड पर्सन में कैसा दिख रहा है ये भाई, एक नंबर का है। तो अगला गेम है हमारा यहाँ पर जिसका नाम है क्राफ्ट अर्थ बॉय, और चलो देखते हैं यहाँ पर ये गेम अंदर से कैसा है। तो इसकी फोटो तो भाई बिल्कुल माइनक्राफ्ट जैसी लग रही है, और यहाँ पे टेक्सचर भी है, यानी कि शेडर्स भी लगे हुए हैं भाई। सब्सक्राइब कर दो यार, इतनी साइड शक्ल देख के अगर आपको दया नहीं आ रही तो भाई कर दो सब्सक्राइब, आपको टॉम की साइड शक्ल देख के। तो वैसे ये रहा हमारा नया गेम जिसका नाम है क्राफ्ट अर्थ बॉय, तो इसको देखते हैं अंदर से कैसा है, प्ले करते हैं और नया वर्ल्ड बनाते हैं क्रिएटिव के अंदर। क्रिएटिव इसलिए ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि अंदर से कैसा है। वर्ल्ड का नाम रख लेते हैं सब्सक्राइब, और वर्ल्ड के नाम ही की तरह आप भी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दो, और मैं भी क्रिएट वर्ल्ड पर क्लिक करके अंदर चलता हूँ। वैसे ये देखो स्टोन ही स्टोन है यहाँ पे, और ये देखो ओसिलोट्स, इनको स्पॉन करता हूँ। और देखो भाई बोल इसके आगे से शक्ल देखो भाई क्या लग रहा है। और यहाँ पे देखो ओसिलोट तो भाग जाते हैं, पिग देखो भाई, और यहाँ पे काओ देखो भाई, क्या बिल्कुल बहुत ही अच्छे टेक्सचर है गेम के भी, ये गेम भी काफ़ी अच्छा है। चिकन भी और सिल्वर फिश तो वैसे ही है, रैबिट भी वैसा ही है, पर अंदर से देखो भाई क्या गेम है यार, बहुत अच्छा गेम है। मेरे को तीनों के तीनों गेम पसंद आया, आपको तीनों में से कौन सा गेम पसंद आया वो कमेंट करके बता देना। क्या इस वाले गेम के अंदर MLG होगी? नहीं भाई इसके अंदर भी MLG नहीं हुई। मरना तेरे को डर नहीं लगता? बता देना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बिना जाना मत यार। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।